हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोट एट 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूं क्या है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। क्या ये पर्सन सुबह सुबह आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस एनर्जी में है, और आपको लेकर इस पर्सन के थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है, ये सभी चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना। बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के, आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का व्यूअर्स कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक ऑल साइन बेस्ड एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी बेझिझक होकर देख सकते हैं। रीडिंग के दौरान जितना आप अपना फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे, उनका नाम 3 से लेकर 5 बार आप मन ही मन में ले लेंगे, उतना ही आप अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएंगे। उसके अलग व्यूअर्स, चैनल पर पहली बार आए हैं, पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। एंड अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कितने परसेंटेज कनेक्ट कर पा रहे हैं रीडिंग से। लाइक जरूर से कीजिए, क्लेम एंड ग्रेटिट्यूड जरूर से दीजिएगा। तो चलिए जी, देख लेते हैं सबसे पहले इनकी मॉर्निंग की एनर्जीज। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, प्लीज स्पिरिट गाइड। रेस्ट एंड रिकंसिडर, कंट्रोल, डिटैच्ड, मूविंग ऑन, बॉटम इज ही। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गमी राशि है वो वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि, उसके अलग आपका लियो, लिब्रा और आपका एक्वेरियस, ये भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब बात करी जाए इनकी एनर्जीज की। देखो, आपके पर्सन होना हो व्यूअर्स बहुत ज्यादा थक गए हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते, या फिर आपसे दूर भागते भागते ये पर्सन बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और एक ऐसी एनर्जी इनकी यहाँ पर है जैसे कि अब रुकना चाहते हैं, थमना चाहते हैं, चीजों को फिर से रिकंसिडर करने की इच्छा अपने मन में रखते हुए इस संसार ने जैसे कि सुबह की शुरुआत करी हो, तो वो मैं एनर्जी दे पा रही हूँ। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे सब चीजों से अपने आप को एकदम कटा कटा सा महसूस कर रहे हैं, या चाह रहे हैं कि सब चीजें छोड़ छाड़ कर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर ना इन्हें वो तकलीफ ना हो, वो दर्द ना मिले जो इन्हें सब लोगों के साथ रखकर अपने आप को मिल रही है। वहां पर बैठकर कहीं ना कहीं फिर से वही चीजों को देखा जाए, क्या खोया क्या पाया, इन सभी चीजों के बाद खुद को कितनी तकलीफ मिली, खुद कितने हर्ट हो चुके हैं, तो ये एक ऐसी एनर्जी में है जैसे बहुत सारी चीजों से एकदम टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और अपने आप को समेटने की इच्छा, अपने आप को हील करने की इच्छा इस इंसान के दिल में डेवलप हो रही है। और उसका रास्ता इन्हें सिर्फ यही नजर आ रहा है जैसे अपने आप को कहीं दूर ले जाए, ठीक है, उन लोगों से जो इन्हें पहचानते हैं, उन लोगों से जिनसे ये अटैच्ड हैं, वो इनसे अटैच्ड हैं, चाहे फिर वो ऊपरीपन के तौर पर हो या फिर वो वैसे ही अटैचमेंट क्यों ना हो, या लोगों की निगाहों से जो इन्हें हमेशा हर वक्त देखती रहती है, इनसे सवाल करती रहती है, उनकी निगाहों से ही अपने आप को कहीं दूर ले जाए, तो उस तरह की चीजें इनके मन में, इनके दिल में उठ रही है। यानी कि बहुत निराश, बहुत हताश अपनी जिंदगी से, अपनी आने वाली सुबह से ये पर्सन जैसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी भी एनर्जी देख पा रही हूँ जैसे दिन में भले ये औरों के लिए, औरों की निगाहों के डर से अपने आप को खुश रख लेते हो, उनके सामने खुश रह लेते हो, बोल लेते हो, चाल लेते हो, लेकिन ये जान पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें अब हील होने की कितनी ज्यादा जरूरत है, या ये कितना ज्यादा टूट चुके हैं, कितना ज्यादा इनके अंदर
चीजें अभी भी टूट रही हैं, तो वो इनकी एनर्जीज में यहाँ पर व्यूअर्स साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसे इस इंसान ने बहुत ज्यादा महसूस भी करा है और ये कर भी रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टैरो से देखते हैं आपके पर्सन इस एनर्जी के साथ आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर अभी तक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये सभी चीजें दिमाग से नहीं जा रही हैं, दिमाग सर के ऊपर से नहीं निकल रही हैं, दिल से होकर जा रही हैं, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है और आप इसे कंटिन्यू करिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और चलिए देखते हैं अंत तक, जरूर से देखिएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पे है व्यूअर्स फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो आपके पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपको लेकर वो पॉजिटिवनेस अभी भी अपने अंदर में मौजूद होती हुई पा रहे हैं, यानी कि जितना ज्यादा ये चीजों को बैठ कर रुक कर रिकंसिडर कर रहे हैं, एक ठंडे दिमाग से चीजों को समझ रहे हैं, उतना ज्यादा ये आपकी एनर्जी आपसे जुड़े हुए रिश्ते से अपने आप को खुद ब खुद कनेक्ट होता हुआ पा रहे हैं, या एक पॉजिटिवनेस जो अभी भी इनके दिल में है, जिसे इन्होंने लोगों की दुनिया की नजरों से छुपा लिया या फिर सबकी नजरों से इन्होंने दूर कर लिया, वो अभी भी इन्हें अपने अंदर मौजूद होती हुई सुबह सुबह महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, डिफरेंसेस तो आप दोनों के दरमियान अच्छे खासे बने हैं और हैं भी, वो डिफरेंसेस जैसे कि होता है ना कास्ट के, रिलीजियन के या फिर एक फैमिली के, तो वो रिस्ट्रिक्शंस, एज गैप के, स्टेटस गैप के। और आप यहाँ पर देखिएगा ये पर्सन यहाँ पर भी ना अपने घर से, अपनी जगह से बहुत दूर आकर आपकी यादों से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे घर से तो निकले हैं लेकिन अपने वर्क प्लेस पर नहीं गए, या घर से जरूर से निकले हैं या अपने आप को उनके साथ रखकर भी फिर भी अपने आप को इन्होंने उनसे काफी अलग करा है। और इसके पीछे का रीजन यही बना है कि ये अब रुककर थमकर ठंडे दिमाग से ये जानना चाह रहे हैं कि इनके दिल में क्या है, आपको लेकर कैसा महसूस करते हैं, और जितना ज्यादा ये जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने आप को, उतना ज्यादा आप इन्हें अपने दिल में, अपने मन में समाते हुए रहते हुए इन्हें महसूस हो रहे हो, तो वो इनकी एनर्जीज है यहाँ पे। कहीं ना कहीं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ लोगों के लिए, भले इस इंसान ने अपने आप को कितना ही ब्लॉक क्यों ना कर रखा हो, लेकिन आपके लिए ही अभी भी उतना ही अपने आप में रखकर खुला पा रहे हैं, जैसे कि होता है कि आपसे तो ये बोल पाते थे, आपसे तो ये कह पाते थे, आपसे तो ऐसा कहा था, तो ऐसी चीजें इस इंसान को ना बहुत ज्यादा व्यूअर्स आप को याद करके मजबूती दिला रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी से लड़ लड़कर एक थकान भी इस इंसान को अच्छी खासी यहाँ पर महसूस हो रही है। आपकी यादों से रिचार्ज तो हो रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप अब नहीं हो, वो चीजें अब थका भी रही हैं, तो दोनों ही एनर्जीज में ये पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को बताइए प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि नंबर टू, यानी कि फरवरी मंथ। लोगों के कंट्रोल में आने की वजह से, लोगों के रूल्स और रेगुलेशंस को मानने की वजह से, दुनिया की चिंता की वजह से इस इंसान ने उस फैसले को पकड़ तो लिया, उस फैसले को ले तो लिया, उनके मुताबिक इन्होंने डिसीजन लेकर आपसे दूरियां बना तो ली, लेकिन अब वो दूरियां ही इस इंसान को काट रही हैं। अब वही दूरियां इस इंसान को ना आपसे ये कितने दूर चले आए, आपसे कितना दूर हो गए, उन चीजों का एहसास इन्हें दिला रही हैं, और यही चीजें व्यूअर्स आपके पर्सन को अपने लिए हुए फैसले पर या उनके थ्रू लिए गए डिसीजंस पर डटे रहने नहीं दे रही हैं, बजाय डटे रहने देने के इन्हें इस जगह पर रहकर भी इंतजार करने के लिए बोल रही हैं कि ये अभी भी इंतजार करना चाहते हैं आपका, आपसे जुड़े हुए रिश्ते का, या फिर एक ऐसे डिसीजन का जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ इन्हें फिर से ले आए,
एक ऐसे डिसीजन का जो इन्हें इस कंट्रोल से आजाद कर दे। इन्हें नहीं पता था कि ये इस फैसले के साथ कितने रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, कितने स्टक हो जाएंगे, या सिर्फ और सिर्फ ये एक होता है ना बिग बॉस के घर में रहेंगे और चारों तरफ बस कैमरे इनके रहेंगे। इन सभी चीजों का इन्हें आइडिया नहीं था, या था भी तो वो चीजें इनके लिए इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी कि ये तरसेंगे अपनी आजादी के लिए या तरसेंगे अपने गलत हुए फैसले को लेकर, वो इन्हें नहीं पता था। तो एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जैसे इंतजार है इनकी नजरों को आपका। और मुझे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये भी दिख रही है जैसे बहुत ज्यादा सॉन्ग भी सुन रहे हो, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। तो मुझे ये भी चैनल्ड में सॉन्ग सुनाई दिया है, जैसे पॉसिबिलिटीज है आपके पर्सन ये सुनते भी हो। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर अब क्या बनी हुई है, डिवाइन गाइड कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि फाइव एंड यहाँ पे आपका मई मंथ मुझे काफी इंपॉर्टेंट काफी खास बनता हुआ दिख रहा है। देखो आपके पर्सन यहाँ पर होना हो जिन भी लोगों में गिरे हुए हैं उनसे अब अपने आप को खुद से डिटैच्ड कर रहे हैं या खुद से डिटैच्ड होने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। या पॉसिबिलिटीज ये भी है कि हालात अब कुछ ऐसे इन्हें अलाउ कर रहे हैं जिसमें ये उनसे डिटैच्ड हो रहे हैं। जितना ज्यादा उनके साथ होकर भी उनके साथ नहीं हो पा रहे हैं, उनके नहीं बन पा रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान के दिल में इनके मन में एक इमोशनली वे में अकेलापन और खालीपन ही रह रहा है। यानी कि इमोशनली वे में ये किसी में वो सपोर्ट नहीं देख पा रहे हैं, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं जो सपोर्ट इन्हें आप में मिलता था। यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग इनके दिल में है जैसे चाहते हैं कि ये सब लोग ना इन्हें आजाद कर दें, ये सब लोग इन्हें छोड़ दें, इन्हें डिटैच्ड कर दें, इनकी जिम्मेदारियों से इन्हें मुक्त कर दें, ताकि ना अल्टीमेटली ये वो उस तरफ बढ़ जाएं जिसकी इन्हें जरूरत है, जिसकी कमी इनकी जिंदगी में है। यानी कि इमोशनली वे में जो अकेलापन इन्हें अपनी जिंदगी में मौजूद होता हुआ फील हो रहा है वो यहाँ पर पूरा हो जाए, तो उस तरह की चीजें इस इंसान को व्यूअर्स बहुत ज्यादा यहाँ पर औरों से दूर करने की अपने दिल में इच्छाओं को पैदा कर रहा है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। प्लीज स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। सिक्स ऑफ सोर्स, जमनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुलाइन कुंभ राशि नंबर सिक्स यानी कि जून मंथ मुझे आपके लिए खास बनता हुआ दिखा। देखो यहाँ पर ये चीजें तो हैं, तूफान इस इंसान के दिल में इनके मन में है जिसे ये करना चाहते हैं शांत, और वो तूफान के पीछे का क्या रीजन है, इनकी नेगेटिविटी जो इनके मन में है, इनके बुरे हालात जो इन्हें दिखाई दे रहे हैं, इनका रिग्रेट जो इन्हें सोने नहीं दे रहा, मन को सुकून नहीं दे रहा, वो तो यहाँ पर ना इनके मन में वो तूफान यहाँ पर चल रहा है जो इन्हें महसूस हो रहा है जिससे ये अपने आप को दूर करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं ये तूफान बाहर नहीं है, ये तूफान अंदर है। अगर इन्हें मूव करना है ना तो अंदर की नेगेटिविटी को, अंदर के घबराहट को इन्हें अपने आप से वो इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। तो वो चीजें इस इंसान के साथ हो रही हैं। यानी कि मॉर्निंग की एनर्जीज के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली जरूरत है इस इंसान को हील होने की, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की, रिलीज होने की और बढ़ने की पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन वही चीज है, ये चीजें सोचना, इन्हें समझना, इन्हें कैलकुलेट करना इस इंसान के लिए जब इतना मुश्किल हो रहा है, इन्हें असिस्ट करने में इन्हें इतनी प्रॉब्लम हुई है, तो इससे बाहर निकलने में तो इन्हें डेफिनेटली और भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो चीजें यहाँ पर इनके साथ हो रही हैं। यानी कि आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जैसे मन से दिल से तो डेफिनेटली ये यहाँ के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए अवेलेबल अब नहीं रहे हैं। उन लोगों से ये अपने आप को डेफिनेटली बहुत दूर करने की इच्छा अपने मन में अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। तो वो चीजें तो यहाँ पर हैं व्यूअर्स। ठीक है, मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं आसपास के लोग काफी ज्यादा नेगेटिव टॉक्सिक अनहेल्दी हैं जिन्हें ये चाहते हैं अपनी जिंदगी से बाहर निकालना या खुद से इनकी जिंदगी से बाहर निकल जाना, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो बंधे हुए ही हैं।
इनसे निकल पाना इतना आसान इनके लिए नहीं बन रहा है, तो ऐसे भी मैं यहाँ पे चांसेस देख पा रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन हील को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए हील को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, इनके मन में, करंट में अब क्या चल रहा है, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि अगेन आया है। देखिए व्यूअर्स, आपके पर्सन यहाँ पर अब ये तो समझ रहे हैं या ये चीजें इनके दिल में अब करंट में बेइंतहा चल रही हैं कि रिश्ते का मतलब होता है देना, गिविंग नेचर, गिविंग एटीट्यूड रखना, जो इन्होंने कभी भी नहीं रखा। इन्होंने हमेशा ना लेने लेने की उम्मीद करी, जितनी इनकी हैसियत में भी नहीं था उससे ज्यादा इन्होंने पाने की इच्छा रखी। जैसे कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, तो इन्हें ना इनका लालच ही कहीं ना कहीं तोड़ गया, इनका लालच ही इनके पास जो था भी वो भी इनसे छीन गया। वो एहसास इस इंसान को यहाँ पर तोड़ रहा है, वही एहसास इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स हील नहीं होने दे रहा है, ठीक है। वही एहसास इस इंसान को यहाँ पर उम्मीदें बटोरने नहीं दे रहा है वापसी करने की आपकी तरफ, जो है ना कि भाई आपकी तरफ वापस आने पर डेफिनेटली हील हो जाएंगे, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, तो वो इन्हें ना बटोरने नहीं दे रहा, क्योंकि इंटेंशंस, इरादे जो थे एक वक्त पे इनके नेक नहीं थे, नेक नहीं बने थे। इसी रीजन की वजह से व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी जिंदगी में ना बैलेंस नहीं देख पा रहे हैं, या बैलेंस पाने की इच्छा होने के बावजूद भी बैलेंस से रिलेटेड प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस इस इंसान को नहीं दिख रही है। तो वो इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दी है जो करंट की हमने डिस्कस करी है। देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपके पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, लेकिन इनके मैसेजेस मैं आज इनके मूड के बेस पर देखूंगी, ठीक है, कि कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। अब व्यूअर्स से डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। ब्लाइंड, गुड न्यूज, लक, स्ट्रेटेजी एंड ट्रैप। सो आपके पर्सन ना आपसे ये कहना चाह रहे हैं अब कि इतना तो समझ गए हैं कि ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था इन्हें, या ब्लाइंडली अपनी सिचुएशंस का, अपने कनेक्शन का, या अपनी जिंदगी का फैसला इन्हें किसी और को नहीं देना चाहिए था। इसी रीजन की वजह से ये यहाँ पर ट्रैप्ड हुए, इसी रीजन की वजह से ये यहाँ पर अपने आप को विक्टिम की तरह देख रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी इस गलती की ये सजा अपने आज में भुगत रहे हैं कि किसी पर इन्होंने अंधाधुंध विश्वास करा, किसी की चालाकियों में, किसी के प्लानिंग में, किसी की स्ट्रेटेजीज में ये आ तो गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली अब जितना ज्यादा उन्हें पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तब तक ये पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुके हैं। आपसे कहना चाह रहे हैं कि शायद मेरा कोई अच्छा कर्मा मेरे सामने आया, या शायद मेरा लक अच्छा था उस वक्त पे, या मेरा जैकपॉट लगा था जो तुम मुझे एज अ रिवॉर्ड, एज अ गुड न्यूज मिले, एज अ मिरेकल मिले। जिसकी तरफ बढ़ने की इच्छा होती है, जिसकी तरफ मैसेज भेजने की इच्छा तो होती है, लेकिन अपने हालातों में अपने आप को ट्रैप्ड हुआ हुआ देख कर कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ या पा रही हूँ, जिसकी अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आपके पर्सन के साथ तो व्यूअर्स वो चीजें हुई है ना कि इन्होंने अपनी नादानियों के चलते, अपनी बेवकूफी के चलते अपना ही नुकसान कर लिया, और आप इनसे जुड़े हुए थे, आप इनसे कनेक्ट थे, इसीलिए कहीं ना कहीं नुकसान आपको भी पहुंच रहा है, जिसे ये पर्सन अब रहकर समझ रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होए क्या, तो आपके पर्सन अब अगर पछता रहे हैं तो तब तक तो चिड़िया उड़ गई ना, तो वो चीजें हैं। थोड़ा सा और देखती हूँ, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस और दीजिए और बताइए स्प्रिट गाइड।
आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक्ड अवे फ्रॉम यू. आप कहना चाह रहे हैं डीप लेवल पर सॉरी फील करते हैं कि आपकी जिंदगी से भाग गए, वॉक अवे करा. आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू. आपको अगर लगता है कि भाई काहे का इसे परेशानी, ये तो सोशल मीडिया पर नए नए फोटोज डालता फिर रहा है या डालती फिर रही है, तो कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, वो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है, ऐसा कहना चाह रहे हैं. I wanted to hear next to me. अब चाहते हैं आपको फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आना. I don't want to be reminded of you. लेकिन एक तरफ ये लगता है अपने हालातों को, अपनी सिचुएशंस को देखकर कि आप इन्हें ना ही याद करो तो ही आपके लिए बेहतर है. And I know you are the one for me. लेकिन दिल ये भी समझ गया है, जान गया है कि आप ही बने थे इनके लिए, वरना तो कोई ऐसा मिला नहीं, मिली नहीं जिसको ये कह दे कि हाँ ये ही मेरे लिए है या मैं इसके लिए हूँ. आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर व्यूअर्स में इस रीडिंग का एंड करना चाहूंगी. गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए व्यूअर्स को अब क्या करना चाहिए. शार्क कैसल फोनिक्स. देखो आपसे बोला जा रहा है कि अगर यूनिवर्स ने, डिवाइन ने इस तूफान को क्रिएट करके आपकी जिंदगी में आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला है ना, यानी कि आप दोनों सेपरेट हो या आप बाहर निकले हो इस सिचुएशन से, तो इस सिचुएशन के लिए डाउट मत करना, ठीक है, या इस सिचुएशन में फिर से घुसने के लिए लड़ाई मत करना, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है. आपको यूनिवर्स ये समझाना चाह रही है आपकी जिंदगी में ये तूफान लाया इसलिए गया ताकि आप यहाँ पर जो आपके साथ हो रहा था, जो आप सफर कर रहे थे, वो आप समझ पाओ. जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे नजदीक रहकर, दूर रहकर बहुत चीजें समझ में आ गई होंगी, इस चीज की भी गारंटी यहाँ पर यूनिवर्स और डिवाइन ले रहे हैं. यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो जैसे इस इंसान को जरूरत है हील होने की ना, वैसे ही जरूरत आपको भी है. तो यहाँ पर ना बजाय अब इस तूफान की क्यों आया, मेरी जिंदगी में क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों करा, ये सभी सवालों को ढूंढने की बजाय, इनसे लड़ने की बजाय, इनको लेकर एक महाभारत रचने की बजाय आपसे बोला जा रहा है ये समय है हील होने का. जब हील होगे ना तो ये सभी सवाल आपको अपने अंदर मौजूद होते हुए महसूस होंगे. आप इन सभी सवालों का जवाब खुद समझ पाओगे, खुद जान पाओगे, ऐसा यूनिवर्स ये डिवाइन आपसे बोल रही है. तो समझने समझने की बात है, जो ना समझा वो बेकार है, वो आपसे बोला जा रहा है. तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स. आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को, थोड़ी भी जानकारी मिली आपको, थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए. लेकिन अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना सब्सक्राइब करा, ना बेल आइकन को प्रेस करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो भाई ऐसा क्यों करा. जल्दी जल्दी से व्यूअर्स अपने काम कर लीजिएगा. चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग व्यूअर्स चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे. आज के लिए बस इतना ही. मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. ओके बाय बाय.